वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से फिगर ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट राउंड है वो हम शुरू करने वाले हैं। हमने ऑक्सीमोरॉन पे छोड़ा था और ऑक्सीमोरॉन के बाद नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद हाइपरबोली। जैसा मैंने कल बोला था, कल रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट हमने कंप्लीट किया था। होप आपने होमवर्क पूरा किया हो। नेक्स्ट, अब हाइपरबोलिक स्टेटमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाइपरबोली का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रोनंसिएशन क्या है, इटिमोलॉजी क्या है। हाइपर जैसे आप वर्ड देख रहे हैं, जैसा आप वर्ड एग्जैक्ट आपको समझ में आ रहा है, हाइपर का मतलब ही है समथिंग विच इज गेटिंग हाइपर, जिसमें हाइप है, एच वाई पी। हाइप का मीन्स क्या है? जो एग्जैजरेटेड फॉर्म है हमारे बातचीत का, जिस भी चीज को हम एग्जैजरेट करके पेश करते हैं, कोई भी चीज को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको फिगर ऑफ स्पीच में बताया था, जब भी हम एग्जैजरेशन यूज करते हैं तो हम उसको और ज्यादा बड़ा चढ़ा के पेश करना चाहते हैं, ताकि वो लैंग्वेज ब्यूटीफुल लगे या फिर वर्ड्स, दोनों ही चीजें। किसी चीज को बहुत बुरा बताना है या किसी चीज को बहुत अच्छा बताना है, तो उन दोनों का हम कंपैरिजन करने के लिए हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर हाइपरबोली बहुत ही रैम्पेंट है। बहुत सारे राइटर्स इसको लिटरेरी डिवाइसेस में यूज करते हैं। पोएट्री के अंदर बहुत ही इजीली डिटेक्टेबल चीज है, ये आप इसे डिटेक्ट कर सकते हो। हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए या फिर बहुत बुरा दिखाने के लिए ही नहीं है, किसी चीज का ग्रैंजर, इंग्लिश में एक और वर्ड है ग्रैंजर, GRANDEUR, ग्रैंजर। ग्रैंजर का मीन्स क्या है? उसका, उसकी विशालता। जैसे वर्ड की एक छोटी सी आपको वर्ड्स की डेंसिटी बता देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा वोकैबुलरी स्किल्स कैसे बनाई जाती है। तो वर्ड्स की डेंसिटी के लिए हम एक बात करते हैं, कोई आपको बहुत ही पतला है, बहुत दुबला है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे स्केलेटल। स्केलेटल मीन्स क्या? कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, उससे थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ा मास होगा बॉडी पे, तो हम क्या बोलेंगे उसे? स्किनी। स्किनी, दिस इज स्किनी। खाली स्किन स्किन है, अंदर मास है नहीं, ठीक है। स्किनी से और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थिन। अब ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड्स, स्केलेटल है, स्किनी है, थिन है, दिस इज थिन गाय, ये नेगेटिव वर्ड्स है, उसकी क्वालिटी नहीं दर्शा रहे। अब थिन से ज्यादा क्या हो सकता है कोई आदमी? हेल्थी। हम उसको हेल्थी मानेंगे, भाई ठीक ठाक है, बॉडी उसकी फिट है। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएंगे। अब उसके बाद पॉजिटिव वर्ड के बाद भी और थोड़े थोड़े वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े आधे पॉजिटिव हैं, थोड़े नेगेटिव हैं। अब वो थोड़ा उससे ज्यादा स्किनी के बाद हेल्दी है, हेल्दी के बाद हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं आप सोचो? तो अगर वो छोटा है और थोड़ा मोटा है तो उसके लिए वर्ड इंग्लिश में स्टाउट, STOUT, स्टाउट, ठीक है। छोटा मोटा आदमी, तो मैं छोटा मोटा आदमी हूँ ऐसे नहीं, छोटा, हाइट भी छोटी और थोड़ा सा मोटा, देखने में ठीक ठाक है, ये थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच का वर्ड है इसका। उसके आगे हम और बढ़ते हैं तो कोई बहुत यूं बच्चे के अपने गाल वाल देखोगे बाहर निकले हुए, थोड़ा मोटू सा है, उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? चबी, CHUBBY, चबी, ठीक है। चबी बहुत अच्छा वर्ड है, देखने में भी सुंदर है, क्वालिटी, गोलू मोलू जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक अच्छा वर्ड है चबी। चबी से हम ऊपर जाए तो आप थोड़ा और सोचो, स्टाउट भी नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स वर्ड है। चबी से थोड़ा सा ऊपर जब जाते हैं तो हम क्या है कि डायरेक्ट फैट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फैट बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है, फैट अलग चीज है। हम ऐसा मानते हैं कि पहले फैट यूज करते हैं, चबी, चबी के बाद फैट, ठीक है। फैट एक्चुअल में इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज। अब बहुत एक अच्छा वर्ड है डिजीज, हम जो वर्ड बोलते हैं डिजीज, कई बार हम डिजीज बोलते हैं, पर हम इसको गौर से और इसको काट करके देखोगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग और प्रोनंसिएशन मालूम है क्या है? डिस इज, EASE, इज का मीनिंग क्या है? आराम। डिस का मतलब आराम नहीं है, ठीक है। तो ये उन दोनों वर्ड को मिक्स करके उसकी इटिमोलॉजी ये कहती है डिस ईज, गैर आराम, मुझे बिल्कुल आराम नहीं। तो डिसीज का मीन्स वो है जहां पे बॉडी के अंदर कहीं किसी पार्ट के अंदर आराम न हो, तो वो वर्ड डिसीज के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। अब वो हम हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स पर फिर से आ जाते हैं। तो हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स के अंदर ग्रैंजर जो सब बताया, विशालता है, और वो जो वर्ड की पावर है। फैट ओबेस क्या है? एक प्रकार की डिसीज है। उससे ऊपर एक और वर्ड है ओबेस, ओबेसिटी, वो तो और उससे ऊपर लेवल की, वो आपको 25 चीजें और करवा देंगी, डायबिटीज करवा सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जो भी टाइप की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है आपको, तो वो सब चीजें हाइपरबोलिक से हाइपरटेंशन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए जो वर्ड की डेंसिटी हम समझे, तो क्या कहां से हम शुरू हुए थे? स्केलेटल से शुरू हुए।
स्किनी, थिन, हेल्थी, स्टाउट, चबी, ठीक है। चबी के बाद हम किस पे आते हैं, फैट, उसके बाद ओबेस पे। कितने वर्ड हो गए, 8 वर्ड। अब इसके भी आगे हम जाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, फैट है वो, अब उसके आगे क्या हो सकता है, ओबेस भी है, तो हम अब उसका कंपैरिजन करने लगे, मेटाफर यूज करेंगे, ही इज हल्क, ऐसा बोल सकते हैं ना, उसके लिए भी वर्ड है हमारे पास। हम उससे ऊपर हम जब जाएंगे तो हमको पता चलेगा एक और वर्ड भी है, फैट है, ओबेस है, बहुत ज्यादा, बहुत उससे भी बहुत तगड़ा और लंबा चौड़ा आदमी है, बहुत मोटा लंबा है, उसके लिए वर्ड इंग्लिश में गार्गेंटुआन, GKRGKNTUAN, गार्गेंटुआन मतलब विशाल का है, बहुत बड़ा दैत्याकार, समझना ही बात आपको। तो ऐसे वर्ड की जो डेंसिटी है तो वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी आप गौर से देखो तो गार्गेंटुआन का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, किसी डीमन के साथ किया गया, किसी राक्षस के साथ किया गया, तो आपको पता चलेगा कि हम वर्ड को कितनी डेंसिटी में कितना बढ़ा रहे हैं, एग्जैजरेशन की लिमिट। वहां पे भी हमने नीचे किया हड्डियों का ढांचा वर्ड्स में लेकर चले गए, और अच्छों में सबसे बेस्ट अच्छे सी क्वालिटी में कहां लेकर चले गए, हम उसको हल्क, हल्क से भी आगे लेकर चले गए, ठीक है। गार्गेंटुआन विशाल का है, दैत्य, दैत्य वो भी विशाल का है, ठीक है। कहां से स्केलेटल और वो, इन दोनों के जो वर्ड्स और गुड, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बीच में एक ही जगह पे आके हेल्थी पे अटकता है, ठीक है। तो ये वर्ड की डेंसिटी बढ़ती जाती है, कैसे हम उसकी डेंसिटी और वर्ड्स की क्या क्वालिटी है उसको हम जानते हैं, वोकैबुलरी स्किल्स इसी चीज का नाम है, और हाइपरबली उसका एक फाइन एग्जांपल है कि हम कैसे लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपरबली की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। हाइपरबली, इसको बोला भी हाइपरबली जाता है, कई लोग हाइपरबोली भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑलराइट, बट हाइपरबली इज द राइट प्रोनंसिएशन टू अटर। हाइपरबली इज द यूज ऑफ ओवर एग्जैजरेशन, तो ठीक है हम चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, वो तो ठीक है। इट इज ओवर एग्जैजरेशन, और ज्यादा बड़ा चढ़ा के पेश करना, ठीक है। आपने बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे हिंदी मूवीज के अंदर, ओवर एग्जैजरेशन की कोई लिमिट ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक, शाम से लेकर सुबह तक, रात से लेकर दिन तक, क्या करो मुझे प्यार करो, अभी धंधा वंदा तो कुछ है नहीं, अपना काम तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ बड़ा चढ़ा के इस चीज को पेश किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें, 100 साल पहले, बहुत पुराना सॉन्ग है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मैं खुद नहीं था, वो व्यक्ति खुद नहीं था, सिंगर नहीं था, म्यूजिशियन नहीं था, एक्टर नहीं था, डायरेक्टर नहीं था, मूवी की वो बनाने की जो विधि थी वो भी किसी को पता नहीं था, पर उस व्यक्ति को प्यार था भाई 100 साल पहले। वो ओवर एग्जैजरेशन है, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट आपके सब तरफ आपको आजू बाजू मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद और तारे दोनों तोड़ के लाएंगे, स्पेस एक्स वाला इलोन मस्क कितने दिनों से घूम रहा है, वो नहीं पहुंच पा रहे, चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ठीक है। तो सोचना, ओवर एग्जैजरेशन टू क्रिएट एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब क्या, जोर, दबाव, और ह्यूमर, मजाक, ठीक है। अब ह्यूमर की दो स्पेलिंग है, HUMOR है, HUMOUR भी आता है, HUMOR इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर आता है, HUMOR अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आता है, इंग्लिश दो टाइप की जो हम पढ़ते हैं, अमेरिकन AME. आपके फोन के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको दो टाइप की इंग्लिश का पता चलेगा, जिसके अंदर कलर का स्पेलिंग COLOR है वो अमेरिकन इंग्लिश है, COLOUR वो है ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है प्रोनंसिएशन में भी, जैसे वो ABCDEFG लास्ट में जब आते हैं तब वो अमेरिकन जेड को जी बोलते हैं, CBZ, और हम लोग क्या बोलते हैं, जेड, ठीक है। इट इज नॉट इंटेंडेड टू बी टेकन लिटरली, सबसे बड़ी बात इसको लिटरली नहीं लिया ना जाना चाहिए, सही है, ये सिर्फ इम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसे खाई लिया जाए, इसे पचाई लिया जाए, पॉसिबली नहीं, ठीक है। इसे सिर्फ लिटरली आपको नहीं लेना है, देखना है, सुनना है, मजे लेना है, एंजॉय करना, भाई 100 साल पहले तुम्हें प्यार था, मैं भी तुम्हें 200 साल तक प्यार करूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसके जो बात समझ में आ गई, लिटरली इसको नहीं लेना, इट हेल्प्स एक्सप्रेसिंग ब्रोकन हार्ट, किसी का टूटा हुआ दिल, दुख की कोई लिमिट नहीं होती, दुख का सागर अनंत है, जो किसी का जो सैडनेस है, मेलंकोलिया है, वो इतना डीप है, इतना वो दुखी है कि ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कितना डीपली वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है, तो वही वहां पे उसको अपना दुख सबको बड़ा लगता है, तो वो उसको एग्जैजरेट करके बताएगा, उसको और लंबा चौड़ा करके बताएगा कि कितना डीप में जाके वो उस बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। और फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, या फिर डिस्पेयर, कहीं पर आप बहुत हार जाते हो जिंदगी में, परेशान हो जाते हो, अब जिंदगी में कोई चारा नहीं बचा, अब मेरा अंतिम जो दरवाजा है वो मृत्यु का दरवाजा है, मुझे वो खटखटाना पड़ेगा, मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, एकदम फीलिंग ऑफ डिस्पेयर,
एकदम नीचे स्तर पर आदमी निचले स्तर तक नीचे गिर गया। ऐसा मैंने कहीं सुना है कि जब आप गिर जाओ जिंदगी में सबसे नीचे चले जाओ तो आपके पास एक ही पॉइंट रहता है कि आप वापस उठ के खड़े हो। कहीं नीचे गिर गए तो ऐसा तो नहीं है खड्डा खुद के और कब्र के अंदर जाके लेट जाओगे जब तो नीचे गिर गए ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, ये तो पॉजिटिव बात थी, पर जो राइटर्स हैं वो डिस्पेयर भी क्रिएट करते हैं हमारे सामने बताते हैं हमें। ठीक है, ऑन फीलिंग और डिस्पेयर इन एम्प्लीफाइड टोन। एम्प्लीफायर तो आपने सबने सुना होगा, म्यूजिक वगैरह आप जब देखते होंगे म्यूजिक सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि एम्प्लीफायर की क्या चीज़ है। वो चीज़ को एम्प्लीफाई करता है, बड़ा चढ़ा के पेश करता है, तो बड़ा चढ़ा के वो चीज पेश होगी एम्प्लीफाइड टोन के अंदर। ठीक है, हाइपरबोली बात समझ में आ गई। अब हाइपरबोली पोएट्री के अंदर कितने एग्जाम्पल है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर जनरल एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगा, तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब होमर जो थे, होमर बहुत फेमस राइटर थे, तो उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, पीस ऑफ वर्क है इलियड। क्या नाम है उसका? इलियड। इसके बारे में थोड़ा विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत बढ़िया ह्यूमर, बहुत डांते की डिवाइन कॉमेडी भी बहुत अच्छी है। इलियड पे जब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है हाइपरबोली एक सेंटेंस के अंदर। वो क्या बोल रहे हैं? द गॉड मार्स, जो मार्स देवता है, मंगल देवता, द गॉड मार्स क्राइड आउट एज लाउडली, इतनी जोर से वो रोए, उनको इतना दुख हुआ, इतना डिस्पेयर हुआ, इतना दुख हुआ, लाउडली एज 9 or 10,000 men, 9 or 10,000 आदमी एक साथ मिलकर होते हैं ना, उतनी ज्यादा आवाज उन्होंने की रोते समय। कितना बढ़िया, कितना शानदार स्टेटमेंट है, होमर इलियड। ठीक है, याद रखना। अगला रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, आर डब्ल्यू एमर्सन, खाली एमर्सन के नाम से भी जाना जाता, हमने पहले भी इनका एग्जाम्पल ऑक्सीमोरॉन के अंदर एमर्सन का लिया था, आपको याद हो तो एक एग्जाम्पल उनका भी बहुत शानदार है। वो बोल रहे हैं हियर वंस द इम्बैटल्ड फार्मर, एक बार यहाँ पे इम्बैटल जो युद्ध करने वाले फार्मर्स है, स्टूड यहाँ पे एक बार वो खड़े थे, एंड फायर द शॉट, और उन्होंने ऐसा पहला फायर जो बंदूक से ऐसा शॉट फायर किया था, फायर द शॉट हर्ड अराउंड द वर्ल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा शॉट फायर किया पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दी। आपने कहीं मूवीज में भी देखा होगा कि इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें बहुत सदियों तक सुनाई देगी। ये जो मंगल पांडे ने गोली चलाई है वो अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला देगा। ठीक है, तो ये सब हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे इन्होंने रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने अपने एक वर्क में ये लिखा है, क्या लिखा है, द कॉनकॉर्ड हिम, उनका जो वर्क था उसका नाम क्या था, द कॉनकॉर्ड हिम, HYMN, हिम का मतलब होता है भजन। हम किसी गॉड के लिए जो भजन गाते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है, सॉन्ग नहीं बोलते उसको हम, हिम्स, HYMNS। ठीक है, तो द कॉनकॉर्ड हिम के अंदर उन्होंने लिखा था कि एक बार यहाँ पे कुछ फार्मर्स खड़े थे और जो युद्ध लड़ रहे थे, और उन्होंने ऐसा एक शॉट बंदूक से चलाया पूरी दुनिया में उसकी आवाज सुनाई। ठीक है, बढ़िया। तो अब इसके आगे और जनरल भी और पोएट्री के और एग्जैजरेटेड फॉर्म्स हैं। W.H. ऑडेन उसके बड़े मास्टर थे, तो ऑडेन के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, और भी दो तीन पोएट्स हैं, उन्होंने क्या क्या लिटरेचर में और पोएट्री के अंदर किस टाइप से हाइपरबोलिक जो इमेजरी है उसको क्रिएट करने का ट्राई किया, और बहुत ही ब्यूटीफुली ट्राई किया, आप भी कर सकते हैं। आगे हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हाइपरबोली के जो हम यूज करने वाले हैं फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज किया जाता है, वो है एंड्रू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, बहुत ही फेमस पोम है, आप गूगल कीजिए, यू गेट टू नो मोर अबाउट इट। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, कॉय का मीन्स क्या है, शर्मीली, टू हिज कॉय बहुत अच्छा वर्ड है, सिंपल वर्ड है, COY, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अपनी शर्मीली मिस्ट्रेस यानी कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनके लिए उन्होंने एंड्रू मार्वेल ने एक बहुत ही शानदार पोम लिखी है। लिटरेचर के अंदर अगर आप देखें रोमांटिक पोएट्री के अंदर एंड्रू मार्वेल एक्चुअल में जबरदस्त काम, तो एंड्रू मार्वेल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बहुत स्मॉल पोम है, ज्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं, उसे पढ़े तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। और उसके अंदर उन्होंने जिस प्रकार का प्रेज किया है बहुत ही ऊंचे लेवल का, और हाइपरबोलिक पूरी पूरी पोएम हाइपरबोलिक एग्जैजरेटेड पोम है। क्या किया है, 100 years शुड गो टू प्रेज, कम से कम 100 साल मुझे चाहिए तुम्हें प्रेज करने के लिए, तारीफ, सिर्फ मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा
और तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा, ठीक है। 100 years, 100 साल मुझे जाएंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। दाइना इज दाइन, पुरानी इंग्लिश जो मैं हम बात करें, चौसर्ज इंग्लिश की बात करें तो उसमें दाए, दी, दाइन ये सब यूज होता था। दाइन मतलब योर, दाइना इज योर, दाइना इज तुम्हारी आंखों को, एंड दाय फोरहेड गेज तुम्हारी आंखें और तुम्हारा फोरहेड खाली देखने में 100 साल में बिताऊंगा। 100 साल तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा, 100 साल तुम्हारी आंखें और तुम्हारा फोरहेड में देखूंगा, देखता रहूंगा, उसे निहारता रहूंगा, टकटकी बांध के देखता रहूंगा, ठीक है, एग्जैजरेटेड। उसके बाद 200 years टू अडोर, 200 साल मुझे चाहिए तुम्हारे हर बाल का जो एक एक लच्छा है, जो क्रेस्ट है, 200 साल, एक एक लॉक, एक एक क्रेस्ट के लिए मुझे 200 साल चाहिए तुम्हारे बाल के, एक एक लट के लिए मैं उतना टाइम उसको दूंगा, उसको अडोर करूंगा, उसको हाथ में लूंगा, उसका सम्मान करूंगा, उसकी पूजा करूंगा, किसकी, 200 साल तक टू अडोर ईच क्रेस्ट, बट 30,000 टू द रेस्ट, कम से कम 30,000 साल मुझे चाहिए तुम्हारे को पूरा का पूरा देखने के लिए, मिनिमम 30,000 साल में तुम्हारे को देखूंगा, तुम्हें पसंद करूंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हारे गुणगान करूंगा, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा 30,000 सालों तक। ये किसका है, एंड्रू मार्वेल टू स्कॉल मिस्टर, इससे ज्यादा एग्जैजरेट करके बताओ, एग्जैजरेशन का हाई पॉइंट, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड माउंट एवरेस्ट, वहां तक पहुंचा के छोड़ते हैं एंड्रू मार्वेल, तो वो जो जिसको वो पसंद करते अपने कॉइन मिस्ट्रेस, वो कितनी खुश हो गई होंगी, महिला को तारीफ कितनी पसंद है, तो तारीफ की लिमिट कहता, तारीफों के पुल बांध देना, तो इन्होंने तारीफों के पुल तो छोड़ो 101 बांध दिया है, बुर्ज खलीफा बांध दिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक रॉबर्ट बर्न्स की पोम है, रेड रेड रोज, अब इसको थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे रेपिटेशन भी आ रहा है और एक और चीज आ रही है, एलिट्रेशन, रेड रेड रोज, लाल लाल गुलाब, वो रेड रोज भी कह सकते थे, पर देखो रेपिटेशन का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, रेपिटेशन और जो एलिटरेशन का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, रेड रेड रोज, लाल लाल गुलाब, दो बार रेड रेड रोज, और उतना ही फाइन पोम है, उतना ही हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स इसमें यूज किए गए हैं, और से देखना, टिल द सीज गैंग, मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगा, बाकी की पोम मैंने मिस कर दी है जानबूझ के, आपको खाली वो उसका बेसिक पॉइंट ऑफ सुनना है, टिल द सीज गैंग, जब तक दुनिया के सारे 7 समुद्र है वो सूख नहीं जाते, समुद्र सूख सकते हैं, क्या पता सूख जाए कभी, तो वो बोल रहे मैं तुम्हें तब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसा नारा लगा देना, तब तक सूरज चांद रहेगा भैया तुम्हारा नाम रहेगा, ठीक है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू, ये सब बहुत सारे किस्से हमने एग्जैजरेटेड सुने हैं, पर आप यहाँ पे इस चीज को देखो, द सी इज गैंग ड्राई माय डियर, तब तक जब तक पूरा का पूरा समुद्र सब कुछ ड्राई नहीं हो जाता तब तक, एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, जो रॉक्स हैं, रॉक पत्थर है, वो सब सूरज की रोशनी से मेल्ट नहीं हो जाते, कभी होते हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं है, टिल एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन आई विल लव दी, दी वापस यहां पे क्या मतलब है, यू, तुम, स्टिल माय डियर, तब तक मैं तुम्हें प्यार करूंगा, व्हाइल द सैंड्स ऑफ लाइफ शैल रन, जब तक दुनिया में मिट्टी है, सैंड है, जब तक इस दुनिया में जिंदगी है, किसी भी टाइप की जिंदगी, कोई भी टाइप की जिंदगी है, उस आपने देखा वो एक इसमें सैंड का टाइमर होता है, सैंड ऊपर से नीचे जाती रहती है, वो खत्म हो जाती है, तो वैसे ही, तो जब तक दुनिया में सैंड है, जब तक, तब तक जिंदगी, यहां तब तक जिंदगी है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक मैं तुम्हें प्यार करूंगा, कौन बोल रहा है, रॉबर्ट बर्न्स बोल रहा है रेड रेड रोज के अंदर, ठीक है, एग्जैजरेशन की लिमिट क्रॉस कर दी, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स, जबरदस्त हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स इन्होंने क्रिएट किए। अब देखो, और बेसिक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो मैं थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल में दे देता हूं, ठीक है, हिज ब्रेन इज साइज ऑफ अ पी, ये थोड़ा डिमीन करने के लिए किसी को बोल सकते, तुम्हारा दिमाग है ना मटर के दाने जितना है, ठीक है, हम इसको ह्यूमरिस्टिक अप्रोच भी ले सकते हैं या फिर इसको पन की तरह से यूज कर सकते हैं कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, योर ब्रेन इज साइज ऑफ अ पी, पी समझ गए, पीए, ठीक है, मटर का दाना। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आई एम सो हंग्री I can eat a horse. मैं इतना भूखा हूं कि मैं पूरा घोड़ा खा सकता हूं, सही है, समझ में आ गई? तो इस टाइप के जो हम एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं।
कोई भी, मतलब ही इज रनिंग फास्ट एज अ चीता, ही इज रनिंग फास्टर देन अ चीता, तो चीता से फास्टर दौड़ना पॉसिबल है, पर यहां पे हम उसको एग्जैजरेशन बढ़ाना, बड़ा बड़ा के हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स क्रिएट करने, ठीक है। तो आज का हमारा टास्क है कि हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स के हो सके तो 10 लाइंस आपको लिखनी है, लिखनी ही है 10 लाइंस हाइपरबोलिक स्टेटमेंट, जिसके अंदर कम से कम 5 हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स फ्रेजेस, 5 हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स आने चाहिए, और उसको अंडरलाइन करके रेड इंक से आप अंडरलाइन करके मुझे भेजें तो मुझे ज्यादा पता चलेगा कि आपने किस टाइप से किया है। इंटरनेट का उपयोग न करें, अपना दिमाग लगाएं। हाइपरबोलिक आप डेली और घर में होता ही है, सो रहे होते हैं, मम्मी आके बोलती है 10 घंटे से बुला रही हूँ आता नहीं है, तो आपके फ्रेंड से आधा घंटा लेट हो जाते हैं, तो 2 दिन से तेरा वेट कर रहा हूँ तो आया नहीं। तो ये हाइपरबोलिक तो हमारी लाइफ में ही है, तो वो बार बार हर चीज बड़ा चढ़ा के, अरे मैदान हो गया आज तो जंग का मैदान क्रिएट कर दिया हमने, वो जंग का मैदान कहाँ से हुआ, ठीक है, झंडे गाड़ दिए आज स्कूल के अंदर, कहाँ कौन से झंडे गाड़े। तो ये मेटाफोरिकल लैंग्वेजेस हैं, और ये हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स को कैसे हम एग्जैजरेट करते हैं ये हम अब सीख रहे हैं। और हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं फिर से बार बार एक ही बोलता हूँ कि जब आपको क्रिएट करना आएगा तब आपको आइडेंटिफाई करना भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे उसको क्रिएट करेंगे ये इम्पोर्टेंट है, जितनी बार क्रिएट करोगे उतना ही आप ज़्यादा उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर सक्षम होते जाएंगे और ज़्यादा उसको समझेंगे, ठीक है। हमारा मेन टारगेट सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही है अभी, ठीक है। फर्दर मोर आप लिटरेचर में आगे जब बढ़ेंगे तो आप उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कंक्लूड करते हैं, हाइपरबोली आज हम ओवर करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हाइपरबोली के, वो मैं स्क्रीनशॉट में आपको भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइपरबोलिक जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो कैसे हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ किस किस ने बड़े बड़े राइटर्स ने इसको कहाँ कब यूज किया था, और फनी और भी चीजें, एक बहुत अच्छा वो भी मैं आज भेजूंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा कि जब तक अफ्रीका और जापान चाइना मिल नहीं जाते मैं तुम्हें पसंद करता रहूंगा। ये जो रोमांटिक पोएट्स हैं, जो डिस्पेयर से भरे हुए या दुख से भरे हुए जो पोएट्स हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। तो बहुत मज़ा है, हाइपरबोली एक अलग ही चीज़ है, अलग ही मज़ा है, अलग ही लेवल का आनंद है, चीज़ों को बड़ा चढ़ा के पेश करना, इंजॉय करना चीज़ को, ठीक है, चौड़ाई का पहाड़ बना देना, ठीक है, जिसको हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट अब जो ग्रामर का जो भी सेक्शन आएगा फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा तो हम उसको उसी लेवल में आगे बढ़ाते जाएंगे। बाकी वोकैबुलरी स्किल में डूज एंड डोंट्स भी हम आगे करते जाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टेंसेस के बारे में तो सबको नॉलेज ही है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द मोर डीपर इनटू द टेंसेस, बट जैसे नो सूनर देन और ये, इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उसके बारे में भी ज्यादा काम करेंगे, सबसे बेसिक स्किल्स हमारी जो राइटिंग स्किल्स है उसे कैसे सुधारा जाए, आंसर्स कैसे लिखे जाएं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आपकी लाइफ के अंदर कितनी हेल्पफुल हो सकती है आगे जाके भी, आप जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन दें, एंट्री टेस्ट जब आप लें, इंटरव्यू लें, तो वो जो ये जो इंग्लिश का जो इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आगे जाके आपकी लाइफ के अंदर वो आपको काम आए, यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और प्राइमरी टारगेट है, ठीक है। गुड डे।